नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर में, और मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह ही जोगिंदरनगर ढेलू मोड़ के पास एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट यहां पे हुआ है, कार दुर्घटना हुई है। और जिसमें हम आपको बता दें कि कार के साथ साथ जो है कार बाइक सवार कुछ यहाँ पे थे, उनके ऊपर जो है कार ने टक्कर मारी है, और टक्कर मारने के बाद जो है कार नीचे जो है लुढ़क गई है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कार इस वक्त की कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि काफी कंडीशन खराब है। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, गाड़ी में जो था तीन लोग जो थे वो सवार थे, और दो लोग जो थे वो बाइक में सवार थे। हालांकि अभी जो है वो सभी लोग लाइव हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो है वो क्रिटिकल कंडीशन जो है वो थोड़ी गंभीर है, और उन्हें जो है यहाँ से टंडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। ये तस्वीरें जो है आप लाइव तस्वीरें खबरकास्ट टीवी के माध्यम से जो है वो देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि महज जोगिंदरनगर से 1 किलोमीटर समीप यह हादसा होता है सुबह सुबह ही, और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सामने जो है ढेलू मोड़ है, और ढेलू मोड़ के बिल्कुल सामने जो है ये हादसा होता है। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है ये सुबह हादसा हुआ, और जहां तक जानकारी मिली कि दो लोग यहाँ पे जो थे बाइक सवार जो थे वो खड़े थे, और गाड़ी कैसे अनियंत्रित होकर जो है बाहर जाती है और बाइक को जो है वो टक्कर मारती है। टक्कर मारने के साथ साथ जो है वो नीचे लुढ़क जाती है। हालांकि जहां तक हमें अभी जानकारी मिली है उनका पता नहीं लग पाया है कि कौन लोग हैं। अभी पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, और वो जो है वो छानबीन यहाँ कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई जो है पुलिस यहाँ पे कर रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और जिस तरह से अभी हम मौके पर मौजूद हैं, पहुंचे हैं और आपको लाइव यहाँ से कवरेज दे रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो हादसा हो, कार जो है अनियंत्रित हुई है और सामने खड़ी बाइक को जो है कार से टक्कर मारी गई है, और उसके बाद जो है कार जो है नीचे गई है। हालांकि कार में ऐसा सुनने में आ रहा है कि छोटे बच्चे भी थे उसमें, और वो थोड़ा सा सीरियस हैं, और उन्हें जो है यहां से टंडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो रेफर किया गया है। ये सीधी तस्वीरें जो है आप खबरकास्ट टीवी के माध्यम से जो है वो देख पा रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कार हादसे जो है इसकी लोकेशन आप बताएं कि लगभग कहां से ये कार जो है अनियंत्रित हुई है। ये सीधी तस्वीरें हैं, और जिस तरह से कार लगता है वहां से जो है आगे आई है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बाइक सवार जो थे वो खड़े थे, साइड में खड़े थे, और यहाँ पे कार ने जो है टक्कर मारी है और कार भी नीचे लुढ़की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें जो है आप खबरकास्ट टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। और जिस तरह से अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है कि कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जानकारी ये है कि जो लोग यहाँ गाड़ी में थे, बाइक में थे, अभी वो लोग जो हैं लाइव हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन जो है वो हुई है, और उन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा यहाँ से रेफर कर दिया गया है। हालांकि एक दो जनों को जो है वो हल्की चोटें भी आई हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे बताए जा रहे हैं, बच्चे बताए जा रहे हैं जिनमें उनको जो है काफी गंभीर चोटें जो है वो लगी हुई है। तो ये तस्वीरें जो है आप अभी देख पा रहे हैं, तस्वीरें काफी डरावनी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप साइड में दिखाएं, और गाड़ी जो नीचे गिरी है मैं चाहूंगा कि आप इस गाड़ी को भी दिखाएं, क्योंकि गाड़ी इस कंडीशन में जो है इस वक्त आपके सामने जो है वो मौजूद है। और यहां से गाड़ी जो है ऊपर से गिरी है, और गिरने के साथ साथ पहले जो है बाइक यहां पे शायद खड़ी थी, बाइक सवार यहां पे थे और उनको टक्कर मारती हुई गाड़ी जो है नीचे गई है, और पलटे खाकर जो है गाड़ी फिर से उसी दिशा में जो है खड़ी है। लेकिन गाड़ी की कंडीशन जो है काफी खराब है, और इसमें जो सवारियां मौजूद थी तो उन सवारियों को जो है काफी चोटें आई हैं, और उसमें बच्चे हैं, बच्चों को जो है टंडा मेडिकल कॉलेज में जो है रेफर किया गया है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा सकते हैं। और ये तस्वीरें जो है आप लगातार जो है हम लाइव कवरेज यहां से आपको दे रहे हैं, और ये बिल्कुल जोगिंदरनगर से महज 1 किलोमीटर की दूरी यहां पे है, ये बिल्कुल ढेलू मोड़ के पास है। और जिस तरह से अगर आप मारुति सुजुकी का जो शोरूम है उसके महज एक मोड़ जो है ये पीछे एक्सीडेंट, ये हादसा जो है ये हुआ है सुबह सुबह ही। और जिस तरह से आज जन्माष्टमी थी तो देखिए किस तरह का ये हादसा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं वो काफी जख्मी हैं, जिसमें से दो बाइक सवार थे, तो एक बाइक सवार की हालत थोड़ी गंभीर है और जहां तक हमें जानकारी मिली है, और जिस गाड़ी में जो था बच्चे थे तो बच्चों की हालत भी काफी गंभीर है। तो ये हादसा हुआ है, हालांकि हादसे का कारण को अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जहां तक लोग बता रहे हैं कि कार जो है यहां से अनियंत्रित हुई है और उसने बाइक को टक्कर मार के जो है वो नीचे लुढ़की है। और इसके साथ साथ जो है ये काफी बड़ा हादसा हम कह सकते हैं ये हुआ है सुबह सुबह जोगिंदरनगर के ढेलू मोड़ के पास, और ये सीधी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना खुला रोड है, रोड काफी खुला है, क्योंकि ऐसा होता कि रोड जो है कर्व्ड होता, रोड कम है लेकिन काफी चौड़ा रोड है, खुला रोड है, लेकिन बावजूद इसके ये हादसा हुआ है। तो हादसे के कारणों का पुलिस जो अभी छानबीन कर रही है, क्या कारण है और किन कारणों से जो है ये हादसा हुआ है। तो मौके पर पुलिस मौजूद है और उनको जिस तरह से प्राथमिक उपचार के बाद जो है जिन लोगों की हालत गंभीर थी उन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा जो है ट्रांसफर यहां से कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों की हालत खराब है, जैसे बच्चे मौजूद थे। तो इस तरह की घटनाएं जो है, इन घटनाओं का जो है चाहे स्पीड ज्यादा रही हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से आज जन्माष्टमी है तो देखिए इस तरह की खबरें जो है वो कहीं ना कहीं दिल को डरा देती हैं। तो बाइक कार कह सकते हैं आप, एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट बहुत ही हम कहेंगे डेंजरस हुआ है, और जिसमें जो है चार पांच लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, कुछ लोग जो है वो ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें जो है देख पा रहे हैं, और आप देखिए यहां से जो है इस साइड से शायद गाड़ी आई है, अनियंत्रित हुई है और यहां से ठीक नीचे जो है गाड़ी ने टक्कर मारी है, और गाड़ी जो है यहां से जो है आप देख पा रहे हैं यहां कुछ कूड़े का ढेर भी है, तो यहां से गाड़ी जो है नीचे पलटे खाकर जो है नीचे गई है। ये सीधी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि जिस तरह से कार का अनियंत्रित होना, ओवर स्पीड भी हो सकता है, कार में कोई खराबी भी हो सकती है, इनके कारणों का तो अभी पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है। मौके पर पुलिस अभी मौजूद थी। तो आप इस लाइव स्ट्रीम को जो है आप शेयर भी कीजिए, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो हैं जोगिंदर नगर ढेलू मोड़, और अगर बात करें मारुति सुजुकी का जो शोरूम है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये हादसा हुआ है, और यहाँ पे जो रोड है काफी खुला डुला रोड है। तो चलिए आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई, और खबर खास टीवी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।